आज जगन्नाथ मिश्र आज जैसे नंद महाराज ने नंदोत्सव किए थे, आज जन्मोत्सव करेंगे। जगन्नाथ उत्सव जगन्नाथ मिश्र पर किया करेंगे। तो इसलिए ये भजन को गा लेते हैं। गुराम महाप्रभु भी लाला बने हुए हैं। बालक सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहरा भाले अलक शोभे कपुलन में अलक सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिरे चूड़ा दरसी माले बन फूल माला हिया पर डोले सिरे सिरे चूड़ा दरसी माले बन फूल माला हिया पर डोले पहिरन पीत पटांबर शोभे पहिरन पीत नूपुर रुणु छुणु चरण सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है निधि बन माछे बंसी बजाए विश्वरूप की प्रभु जी सही विश्व
प्रकट ही नदिया में सुंदर आला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन कोई गावत राधा कृष्ण नाम कोई गावत हरि गुण गान कोई गावत मंगल तान मृदंग रसाला बाजत है कोई रंगण में बाजत सुंदर लाला सचिरा दुलाला आचत श्री हरि कीर्तन में सुन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन निताई गौरा हरिबो 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 भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रघुनाथ महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की
श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि तिमानंदे। हमी गाय नॉट अटेंडेंट कुक देयर देन तो जैसे हम कल वर्णन सुने थे कि भगवान की प्राकट्य कितने भव्य रूप में आनंद उत्सव के साथ हरिनाम कीर्तन के साथ हुआ, तो आज क्योंकि कल शाम को प्रकट हुए देवताओं के टहलने लगा वो लेट नाइट में, फिर इतना फेस्टिविटी नहीं हो पाया, ग्रहण लगा था पर उसमें सब कुकिंग वुकिंग करेंगे लोग नहीं आ पाए, फेस्टिवल नहीं हो पाया। आप लोग फिर होली खेले, लेट नाइट हो गया, तो फिर नेक्स्ट डे जगन्नाथ मिश्रा अपने पुस्तक पुत्र को देखे और उनके लिए उत्सव कर रहे। देख गौरा चांदी रब प्रेम धन रतन पसार, प्रेम धन रतन पसार, देखो गौरा चांदीर बाजार। बोलते हैं हे नमते प्रभु रह अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। गौरा महाप्रभु अपने मार्केटिंग कैसा करते हैं बाजार। हे नमते प्रभु हैल अवतार, इस प्रकार प्रभु के अवतार हुआ, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। हरि नाम को आगे रख करके भगवान पीछे पीछे आए। चतुर्दिगे धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नाने हरि बोली जाए न धाइया। चारों दिशाओं में हरि नाम होता है, गंगा स्नान होता है। जारा मुख जन्मई नावले हरि नाम, सही हरि बोली जाय करी गंगा स्नान। कहते हैं कि जो जन्म से अभी तक मिस्टेक से भी हरि नाम नहीं लिया था, बोलते हैं जारा मुखे जन्मई नावले हरि नाम, जिनका मुख से जन्म से अभी तक हरि नाम नहीं आया था, सही हरि बोले, वो भी हरि नाम आज बोलने लगा और गंगा स्नान किया। दस दिग पूर्ण हैल उठे हरि ध्वनि, अवतीर्ण हया हासे न द्विजमणि। दस दिशाओं मंगल में भर गया, क्यों? क्योंकि हरि नाम के कारण, हरि ध्वनि के कारण अवतीर्ण हया हासे न द्विजमणि। द्विजमणि द्विजों के ज्वेल्स रत्न है, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे, ब्राह्मणों के रत्न, मिश्र ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि ब्राह्मण, उनमें रत्न थे। श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट होकर के हंसने लगे। लड़के लोग प्रकट होकर क्या करते हैं? यस, अगर कोई रोएगा नहीं, थप्पड़ मार के मैया उसको रुलाएगा, लो क्या क्या रो नहीं रहा है। हम लोग का सभी का ओपनिंग कैसे होता है? रो करके, क्लोजिंग रुला करके, रो नहीं सकता ना क्लोजिंग। तुम्हारा बैटरी डाउन हो जाएगा, रो नहीं सकता। दूसरे रोएंगे आपके लिए, ओपनिंग होगा खुद रोएगा, क्लोजिंग होगा दूसरे को रुलाएगा ये, और बीच में बोलता हम सुखी होंगे। अरे बेवकूफ कहीं गए, तेरे ओपनिंग क्लोजिंग को तो देखो। लेकिन भगवान गौरांग महाप्रभु यहाँ कहते हैं दस दिग पूर्ण हैल उठे हरि ध्वनि, अवतीर्ण हया हासे न द्विजमणि। द्विजमणि गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण होकर के हंसने लगे, क्योंकि सची माता को ध्यान नहीं था कि रो रहा है कि हंस रहा है, क्योंकि इतने देवी देवी यहाँ सब आ चुके थे, उसको अब नॉर्मल लगना नहीं। नहीं तो कोई अगर लड़का पैदा होकर हंसने लगे
तो जो नर्स भाई और माँ सब बोलेंगे कोई असुरनी आ गया, कोई पता नहीं भूत प्रेत आ गया, हंस क्यों रहा, रोना चाहिए नॉर्मली, रोना चाहिए तो दिस सटीक प्रोसीजर, हंस कैसे रहा। लेकिन द्विज मणि से गौरांग महाप्रभु सचिनंदन के रूप में प्रकट होकर के हंस रहे थे, लेकिन हंसी कोई देख नहीं पा रहा था। कल वर्णन आया था कि एक तो चंद्र ग्रहण हो चुका था, शाम था तभी जमाने में इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, 5 साल पहले के बाद। सभी दोपहर के समय गंगा स्नान करने चले गए थे, हरिकणी लांटी ने महामती को लगाया नहीं था, दीप जल रहा था, लेकिन इतने देवी देवी आए छाया में अंधकार हो चुका था, किसी का नजर नहीं लगा था। तो ठीक है नजर नहीं, तो भगवान क्यों हंस रहे थे? भगवान इसलिए हंस रहे थे क्योंकि चारों दिशाओं में हरिध्वनि हो रहा था, और इसलिए हंस रहे थे कि जो जन्म से अभी तक हरिनाम नहीं लिया वो भी हरिनाम ले रहा है आज, है कि नहीं? ये तो आप लोग भी हंसेंगे, तो क्या हो गया आज इसे किसे, है ना? नहीं, जो कभी क्लास में नहीं आता अगर आज क्लास में आया तो हंसेंगे कि नहीं, धोखा गया भाई। अवतीर्ण हया हास्य नदी जमणि दस दिग पूर्ण हैल उठे हरिध्वनि सची जगन्नाथ देखी पुत्रेर श्रीमुख द्विजन हैले न आनंद स्वरूप। अभी अंधकार में मुख ठीक से देखे नहीं थे, टर्च स्पर्श था नहीं, इलिक्लेट थे। दूसरे दिन मतलब आज के सुबह, कल पूर्णिमा था, आज प्रतिपदा है, प्रतिपदा के दिन सुबह देखे, मंगल दर्शन आज हुआ, आज दर्शन किए दोनों, देखे बाकी सब घर चले गए थे माता पिता दोनों। सची जगन्नाथ देखी पुत्रेर श्रीमुख, पुत्रेर श्रीमुख चंद्र को दर्शन करके दुई जने हैले न आनंद स्वरूप। यहाँ कहते हैं कि दोनों आनंद ही बन गए, आनंद कुछ और नहीं रहा, दोनों के शरीर आनंदमय हो गया, हैले न आनंद स्वरूप, स्वरूप से ही आनंदित हो गए। मतलब उनके रूप जो है पैर से लेकर नख तक और नख अंग प्रत्यंग हाथ कुछ सब आनंद ही था, केवल आनंद ही भरा हुआ था ऊपर से नीचे तक, आनंद स्वरूप हो गए। क्यों? क्योंकि वो सची माता जगन्नाथ की बात किया, कोई भी प्राणी साक्षात आनंद कंद भगवान को दर्शन करे, यस नो चॉइस, उसको आनंदित होकर ही रहेगा, कोई उपाय नहीं उनके पास, तो करे क्या? क्योंकि वो हरि के गुण ही ऐसा है, इत्थं भूत गुणो हरि, हरि के गुण ही ऐसा है, क्योंकि परमानंद परमानंद भरा हुआ है, परमानंद भरा हुआ है, तो परमानंद से इफेक्ट होकर थोड़ा आनंद तो होगा, है ना? तो भगवत दर्शन का ही प्रमाण है कि आनंद से भर जाएगा देह मन बुद्धि चित्त, सब आनंद से भर जाएगा, तो मानो ये भगवान दर्शन के प्रमाण। कि विधि करीब इहा किछु इनासपुरे आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय फुकारे। इतने आनंदित हो गए अपने बेटे को मुंह को देख करके, क्या करें कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, भूल गए, इतने खुश हो गए। किछु नासपुरे तो तब तक अड़ोस पड़ोस में सब स्त्रियां आ गई। अस्ते बस्ते नारीगण जय जयकार फुकारे, वो बोलते हैं जय हो, इतने सुंदर सब जय जयकार करते हैं। धैया आईला सबे जत आप्त गण आनंद हैल जगन्नाथिर भवन। आप लोग का तो मंदिर सुनसान, काली जो हो गया था, लेकिन जगन्नाथ के घर में फेस्टिवल तो आज ही शुरू हुआ, कल के इवनिंग तो सब गंगा स्नान करके हरिनाम करके कुकिंग कर खा के सो गए, देवता कुछ फेस्टिवल किए थे, लेकिन मनुष्य का फेस्टिवल तो आज होगा, मनुष्य का फेस्टिवल आज हुआ। बोलते हैं कि आप तो गण अड़ोस पड़ोस में जितने लोग थे, स्त्रियाँ थी, सब दौड़ कर का है, जो हल्ला हुआ कि ये तो साक्षात
आनंद कंद आ गए, ये कोई लड़का नहीं है, साक्षात परमानंद आ गए। ये बात सुनकर सब दौड़ कर कहे, धाइया आईला सबे जत आप्त गण, आनंद हैल जगन्नाथिर भवन। जगन्नाथ का घर तो आनंद में भर गया। सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर, प्रति लग्ने अद्भुत देखे विप्रवर। नाना जी आ गए थे, सची माता के पिता फेमस एस्ट्रोलॉजर नीलांबर चक्रवर्ती वो आए थे। नीलांबर चक्रवर्ती प्रति लग्न देखे अद्भुत, पूरा लग्न वो गणना कर रहे थे, सारे लग्न में अद्भुत स्थिति देखे। रूप देखी चक्रवर्ती हैला विस्मय, क्योंकि महाराज लक्षण सकल लग्न कहे। सारे शारीरिक लक्षण महापुरुष महाराज के लक्षण दिखाई पड़ता, महाराजाधिराज केवल महाराज ने। रूप देखी चक्रवर्ती हैला विस्मय, इस रूप को देखकर वक्त नीलांबर चक्रवर्ती के आश्चर्य की सीमा ना रहा। क्या ये लड़का है, वो मेरे नाती है ना मेरे बाप है, राजा है ना राजाधिराज है। विप्र राजा गौड़े हई बेक है ना आछे, विप्र बोले सही बा जानी तहा पाछे। नीलांबर चक्रवर्ती तो बहुत बड़ा अश्लोर थे ना, वो गणना करके देखे थे कि बंग में बंग देश में आगे चल, अभी तो मुसलमान राजा है, बोलते आगे चल करके जो गणना कहता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक ब्राह्मण राजा होगा। ब्राह्मण कभी राजा होते नहीं है, ब्राह्मण तो भिख मंगे होते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र की गणना के अनुसार भविष्य में बंग के राजा कौन होगा, ब्राह्मण होगा, विप्र राजा। यही वो तो एस्ट्रोलॉजर था, वो भविष्यवाणी किया था, बोले लगता है कि आगे बंगाल के राजा कोई ब्राह्मण होंगे। यही बोलते विप्र राजा गौड़े हईबे का है ना आछे, बोले ये तो भविष्यवाणी हुआ था कि गोड़ में राजा ब्राह्मण होगा, विप्र राजा होंगे। विप्र बोले सही बात जानिया तहां पाछे, बोले राजा आ गया, राजकुमार आ गया, वही राजा होगा, मुझे तो यही लगता है 100% वही राजा होगा। महाज्योतिर विप्र सवार अग्रेते, लग्ने अनुरूप कथा कहिल लागिल कहिते। उस समय और एक विप्र आ गया, चक्रवर्ती तो बड़ा अश्लोजर थे ही वो इलाका में, लेकिन और एक अनजान व्यक्ति वहाँ ज्योतिर्विद, क्योंकि बृहस्पति आ गए थे, बोले वो क्या करेंगे, मेरे ठाकुर जी का कोष्ठी मैं नहीं देखूंगा और कौन देखेगा, बोले वो डिग्री किस लिए, क्या हूँ इसी में लगाने का। तो बृहस्पति जी एक ब्राह्मण वेश बना करके आ गए, लंबर चक्रवर्ती कहाँ कह गए बताया नहीं, लेकिन वहाँ ज्योतिर्विद ब्राह्मण सख्यात बृहस्पति देव गुरु वो आ चुके थे। सवार अग्रते सबके सामने आ गए, पूरा भीड़ था, भरा हुआ था घर, आनंद से भरे थे। लग्न अनुरूप कथा लागिल कहते, और तुरंत आके लग्न देखा, उनको देखना का तो एक मिनट में देखते हैं, वो तो कभी झूठ बोलते नहीं, वो तो देवगुरु बृहस्पति थे, उनके लिए चश्मा लगाना, पेपर पेन लेकर के लिखना, ऐसा कोई जरूरत नहीं, कंप्यूटर खोलना सॉफ्टवेयर निकालना ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सीधा लग्न करने देखकर बोलने लगे। लागिल कहते लग्न जत देखी यही बालक महिमा, बोले लगा अरे चुप करो सब, सुनो तो सही, सब उनको देखे, बोले आप सार का मैंने पूछो मत मैं कहाँ से आया हूँ, सुनो मुझे बोलता हूँ। क्या बोले लगे ना, लग्न जत देखी यही बालक महिमा, मैं जो लग्न गणना करके देखता हूँ बालक का जो महिमा मुझे दिखता है, राजा है ना बाक्य तारे दीते नारी सीमा, बोलते हैं पर राजा होगा, राजा बोलना छोटा पोस्ट है उनके लिए, वो सीमित करता है, राजा महाराजा बोलने से उसके लिए नहीं तुच्छ है, उसके लिए छोटा पोस्ट, ये पोस्ट नहीं लगा, राजा है ना वाक्य तारे दीते नारी सीमा, ना ना उसको इतने सीमित नहीं कर सकते, ये छोटा पोस्ट कोई बंग के राजा बन जाए, ये कौन सा छोटा पोस्ट लगाओ। बृहस्पति जानिया हईवे विद्यमान, स्वंग बोल रहे, बोलते हैं कि दुनिया में जानता है कि आदमी तक कभी बुद्धिमान होते नहीं,
देवता लोगों के पास बुद्धि होता है, और देवताओं के गुरु बृहस्पति, स्वयं बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति जिनिया हैवे विद्यमान, ऐसे करके बोलते थे, बृहस्पति जिनिया हैवे बुद्धिमान, बोले मेरे बाप इसलिए बोला ना बृहस्पति जिनिया हैवे विद्यमान, सबसे पहले बोला कि ये तो मेरे पूज्य हैं, मेरे गुरु होंगे, मेरे गुरु है ही, हो गए नहीं है ही बृहस्पति जनिया हैवे विद्यावान, अल्पेय हैवे सर्वगुण निधान, बहुत कम समय में सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे सर्वगुण निधान, सही खाने विप्र रूप एक महाजन, दूसरा एक ब्राह्मण, वो भी कोई देवता थे, क्यों कोई बृहस्पति आए, शुक्राचार्य जी भी आ गए बोले तुम हम क्या कम है ना, क्या हम भी वही स्कूल में डिग्री किए, तुम देवताओं के मास्टर बना, मैं असुरों के मास्टर बना, बोले हाँ डिग्री तो सेम किए थे ना, तुम गणना करो मैं नहीं करूँगा, मेरे भी तो ठाकुर है, तुम्हारे ठाकुर है, मेरे भी ठाकुर है, वो आ गया बोला चुप कर मैं बोलता हूँ सुनो, सही खाना भी प्ररूप एक महाजन, बृहस्पति देख लियो, बोला अच्छा तुम भी आ गए, हाँ यस, प्रभु रो भविष्य कर्म करे न कथन, वो उनका भविष्य कहने लगे, विप्र बोले ए शिशु साक्षात नारायण, बोले तुम बोलता है कि राजा बोलना छोटा है, ये बृहस्पति से बड़ा है, तू शर्म नहीं आता, बड़ा बोलता है, ये तो साक्षात नारायण है ये, विप्र बोले ए शिशु साक्षात नारायण, यहाँ है ते सर्वधर्म है वे स्थापन, सारे धर्म स्थापना तो ही करेंगे, यह है ते है वे का अपूर्व प्रचार करेंगे, ए शिशु करीबे सर्व जगत उद्धार, ए शिशु हमारे वंश को उद्धार करेंगे पश्चिण ए शिशु करीबे सर्व जगत उद्धार, ब्रह्मा शिव सुख जहा बांछे अनुक्षण, ब्रह्मा शंकर सुखदेव गोस्वामी व्यास आदि जिस चीज को चाहते हमेशा वांछे अनुक्षण, यह है तहा पाइबे का सर्वजन, बोले जनरल पब्लिक को मिलेगा, ये जिनके लिए दुर्लभ था, शिव जी की ब्रह्मा जी की सुख नारद व्यास के लिए जो दुर्लभ था उनको नहीं मिल रहा था, अब पब्लिकली सबको अवेलेबल होगा, तहा पाइबे का सर्वजन, सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शन, सर्व जगत रीत हईबे इहाने, सर्वभूत दयालु निर्विद दर्शने, सर्वभूत दयालु सभी के ऊपर दयालु है, कैसे न केवल दर्शन दे करके दया कर देगा, जो देखेगा उनका काम बनेगा, सर्व जगत तेरा प्रीत है बे यहाने, उसको देख करके सारे जगत प्रीति हो जाएगा, अन्य की दाए विष्णु द्रोही से जबना, अपने स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं, बोले दूसरे के बाद क्या कहें, विष्णु द्रोही धर्म द्रोही जो जवन, जवन जानते हैं किसे बोलते हैं, मुसलमान को जवन कहते हैं, बोले अन्य का कथा, विष्णु द्रोही जे जवन तहारा ए शिशिर भजी बे चरण, बोले वो लोग भी उनका भजन करेंगे, जवन लोग भी उनका भजन करेंगे, अनंत ब्रह्मांड कीर्ति गाई बहान, आ विप्र आ शिशुरे करीबे प्रणाम, अनंत ब्रह्मांड में उसको पूजा करेंगे, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक, शिशु से लेकर बुढ़ा तक, सब उनको पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, भागवत धर्म रिहान शरीर, भागवत धर्ममय यहाँ से बोले, उनके शरीर भागवत धर्म से बना हुआ है, भागवत धर्ममय हर शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मातु भक्त धीर, देव द्विज गुरु प्राज्ञा माता पिता के भक्त बनेंगे, विष्णु जन अवतरी लवायन धर्म, ऐ मत ए शिशु करीबे सर्वकर्म, विष्णु जिसे अवतार लेकर के धर्म प्रचार करते हैं, धर्म स्थापना करते हैं, इसी प्रकार ये शिशु भी सर्वकर्म करेंगे, ल
अग्नि जत कहे शुभ लक्षण इहान कार शिशु अछे तहा करिते व्याख्यान। लग्न जत लग्न के अनुसार जितने उनका महिमा है, किसी का शक्ति है कोई बोल दे, कोई इतने पावरफुल नहीं है कि सब बता दे। बोले हम लोग आए हैं, बोले तुम भी आ मैं भी आ, लेकिन हम पूरा नहीं बता पाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि अनंत है, अनलिमिटेड है, लिमिट कैसे करें, वो खुद ही नहीं बता सकते। इसीलिए अर्जुन जो पूछे भगवान को गीता में, बोले प्रभु आपका ऐश्वर्य विभूति मुझे थोड़ा बताइए, मैं आपके विभूति को जानना चाहता हूँ, ऐश्वर्य को जानना चाहता हूँ। बोले अर्जुन थैंक यू, लेकिन मैं भी नहीं बोल सकता मेरी विभूति। व्हाट, आप नहीं बोल सकते ना? इसलिए बोल सकता नहीं कि क्योंकि गिनती नहीं है, अगणित है, अनंत है। जो अनंत है उसको अंत कैसे कर सकता कोई? बोलता मतलब हो गया ना खत्म। बोले खत्म ही नहीं होगा, जिनका सीमा ही नहीं तो कोई सीमा सीमित कैसे करोगे? तो मेरे गुण गारिमा का महिमा का सीमा ही नहीं, अंत ही नहीं है। तो मैं भी बोलते रहूं, तू सुनते रहो, तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा, मेरे तब भी नहीं खत्म होगा। बोले इसलिए कहा नहीं जा सकता, तुम सुन भी नहीं सकते, इसलिए चुन चुन कर कुछ बोलता हूँ, सुन लो। इसलिए बोलते हैं कि लग्न जितने लक्षण है उसका कोई शक्ति नहीं किसका कोई बोल सकता। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान जारय नंदन तारे रहु को प्रणाम। दोनों प्रणाम की, बोले धन्य है जगन्नाथ मिश्र, ऐसे पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ, आपको प्रणाम है। हे न कुष्टि गणिलाओ आमी भाग्यवान श्री विश्वम्बर नाम हई बे ध्यान। बोले हम लोग भी उनके कुष्टि गणना कर रहे हैं, हम भी भाग्यवान हैं, हम आए कम से कम, आपने बुलाया था, हम अपने ड्यूटी समझ कर आए। जैसे बात कहे तो सब लोग सुन जाना था। बोले प्रभु जी मैं तो पता नहीं, आपका एड्रेस पता नहीं मुझे, लेकिन इतने बढ़िया बताते, नामकरण में कर दीजिए ना थोड़ा, क्या अक्षर निकलता है राशि में, क्या पहला अक्षर निकलेगा? बोलते अक्षर क्या पूछे, नाम ही बता देते हैं, सुन लो। हाँ, दूसरे लड़कों का नाम एक अक्षर निकलता है, उसमें नाम कुछ चॉइस करते हैं। बोलते उनका चॉइस नहीं, चॉइस हो चुका है उनके लिए, किसी बाप का वैसा नहीं चॉइस करेगा नाम उनके लिए, कि उनका चॉइस ऑलरेडी हो चुका है, ये सबका चॉइस करते हैं। तो इसके लिए उनके अक्षर नहीं निकलता, उनका नाम ही निकलता, और नाम कीर्तन कर करके आए, नाम ही निकलता। बोले क्या नाम होगा ना? लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से तो उनका नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब पूरे विश्व के भरण पोषण करता है, विश्व को मेंटेन करने वाले, चलाने वाले, रखने वाले यही है, यही उनका राशि का नाम है। विश्वम्भर नाम है वे इहान, इहाने बोली वे लोक नवदीप चंद्र। बोले लोग उनको अलग अलग प्रकार से बोलेंगे, कोई बोलेंगे नवदीप चंद्र, ये बालक के जानी हो केवल परानंद। बोले इस बालक को जान लो, केवल आनंद से बना हुआ है और कुछ नहीं, परम आनंद से। हे नरसे पाछे हय दुखेर प्रकाश अतएव ना कहिला प्रभुर संन्यास। बोलते बोलते रुक गए, बता रहे थे इस बच्चा ऐसा होगा, इसी सब का आनंद बढ़ाएगा, सब करेगा, सब करेगा। बोलते बोलते देखते देखते बोला, अरे सेकंड हाफ नहीं बोलना चाहिए, बड़े दुख की बात है, मैं बोला सबको कल्याण करेगा, सबको प्रसन्न करेगा, सबका सुख देगा, लेकिन परम दुख सबको रुलाएगा, खूब रुलाएगा सेकंड हाफ में, तो इसलिए बोला उसको नहीं बोलना है। सब उसको नवदीप चंद्र बोलेंगे, सबको सुख देने वाला है। बोला हे न रसे पाछे है दुखेरे प्रकाश अतएव ना कहिला प्रभु संन्यास, इसलिए ये सेकंड हाफ का पार्ट नहीं कहा। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्र व्याख्यान आनंद विहल अभिप्रेदित चाहे दान। इतने खुश हो गया, इतने खुश हो गया, बोले मैं दक्षिणा देता हूँ लेकर जाइए।
किछु नहीं सुर इंद्र सुदरिद्र किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। बोले कुछ गणना करके कोष्ठी इतने से बताया, नामकरण किया, कुछ दक्षिणा तो देना चाहिए ना ब्राह्मण को, लेकिन घर में कुछ है ही नहीं, काली से बांट दिया था शाम को ग्रहण के समय में, कुछ भी नहीं है। जाकर घर देखा, जो बक्सा जहाँ में रखता अलमीरा खोल कर देखा, कुछ भी नहीं था, वापस आके चरण पकड़ लिया। किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्रीत चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। चरण पकड़ रोने लगा, बोले एक्सक्यूज भी कुछ है ही नहीं मेरे पास। सही विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी, जो विप्र सो बोलता है कि प्रभु जी ये चरण पकड़ लिया जगन्नाथ मिश्र की। बोले मैं आया तो मुझे निकाला नहीं, आकर बोल दिया, यही मेरे सबसे बड़ा मजूरी मिल गया, सबसे बड़ा पेमेंट तो मुझे आला किया, मैं आकर दर्शन किया बोल दिया, उससे बढ़कर वो क्या हो सकता है, मैं तुम्हारा चरण पकड़ता हूँ। विप्र चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे, सही विप्र कांदे जगन्नाथ पाय धरी आनंदे सकल लोक बोले हरि हरि। दिव्य कुष्टि सुनी जत बांधव सकल जय जय दिया सब एक करे न मंगल। दिव्य कुष्टि के बाद गणना भविष्य गणना सुन करके सारे बंधु बांधव जो थे जयगान देने लगे, सब खुश होने लगे। तत्क्षणे आइल सकल वाद्यकार, अब सो अरेंजमेंट था, बाजा वाले आ गए, सब सोए थे, गलते लेट सोए थे, जल्दी उठ कर बाजा वाले आइल सब वाद्यकार। मृदंग पानाई बंसी बाजये अपार, मृदंग सानाई, सानाई जानते ना, साथुनिया बजाते हैं, मृदंग सानाई बंसी बाजये अपार, ये सब मंगल वाद्य है, सानाई मृदंग ये सब बंसी ऐसे बजने लगा। देवस्त्रिये नरस्त्रिये नापारी चिनिते देवे नरे एकत्र हैल भालमते। देवताओं के स्त्री मनुष्यों की स्त्री सब आ गए, कोई पहचान नहीं पाए, क्यों, देवता स्त्री मेकअप करके आए थे, उनके पास टाइम था मेकअप करके आए थे, और मनुष्यों के स्त्री मेकअप नहीं किए थे, सुबह उठ के आ गए थे बिना नहाए, और वो लोग भी ऐसे मेकअप के थे जैसे पहचान नहीं आए, तो इसलिए देव स्त्री और मनुष्य स्त्री दोनों स्त्रियाँ आ गई। देवस्त्रिय नरस्त्रिय नापारी चिनिते देवे नरे एकत्र हैले भालमते। देवता और मनुष्य सब अच्छा कर से एक हो गए। देव माता सभ्य हाते धान्य दुर्बालया हासी देना प्रभु सिरे चिरायो बोलिया। देवताओं के माता जी आ गए थे, माँ अदिति, वो आकर के आशीर्वाद देने लगे बेटे को, धान और पुष्प और दुर्बग्रास हाथ में लेकर के आशीर्वाद देने लगे। देव माता सभ्य हस्ते धान्य दुर्बल अया हासी देना प्रभु सिरे चिरायु बलिया चिरकाल पृथ्वी ते करह प्रकाश अतएव चिराऊ बलिया हैलहास। लंबा लंबा जुग जुग जियो लंबे आयु हो, यही तो कहते हैं स्त्रियाँ। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे वार्ता जिज्ञासिते करे ना आई से मुखे। सची देवी देख रहे हो, एक से एक सुंदरी स्त्रियां आए हैं, क्योंकि सो देवियां हैं, लेकिन कुछ बात नहीं कर पा रही थी, अक्का बक्का कर देख रही थी। सचिर चरण धुली लय देवी गण आंदे सचिर मुखे ना आई से वचन। इतने सुंदरी स्त्रियां देवियां सारे आ करके दर्शन करते हैं मेरे सची माता का चरण धुल लेकर। सची माता ये क्या कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, जीभ काट कर बैठ रहे, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ का तो है नहीं, ये लोग नवदीप मायापुर में तो देखी नहीं उनको, कहाँ से दूर से आए हैं, मेरे चरण छू रहे हैं, तो बोल नहीं पा रहे। किवा से आनंद हैल जगन्नाथ घरे वेदेते अनंततः वर्णित ना पारे। वेद में साक्षात अनंत भी उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे जैसा
मजा उस दिन हुआ था, जिसे आनंद हुआ था, क्या बताए। लोके देखे सचिगृह सर्व नदियार, जे आनंद हईल तहा कहना ना जाए। बोलते केवल जगन्नाथ के घर के क्या, सारे नदिया में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो आनंद हुआ वो भी कहा ना जाए, पूरा नदिया में। की नगरे की बा घरे की बा गंगा तीरे, नगर में कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। बोलते नगर में, घर में, गंगा घाट में, निरवधि सर्वलोक हरिध्वनि करे, जहाँ देखो मंगल हरिध्वनि होने लगा। जन्म यात्रा महोत्सव निसार ग्रहणे, आनंद कहे न कह कर्म नाही जाने। जन्म यात्रा महोत्सव निसार ग्रहणे, क्योंकि रात को अगर था नहीं हो पाया था तभी जन्म यात्रा महोत्सव। आनंदे करे न कह कर्म नाही जाने। चैतन्यर जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा, ब्रह्मादि ए तिथिर करे न आराधना। बोले एक जन्म यात्रा जन्म महोत्सव होता है, फाल्गुन पूर्णिमा जो काल हो गया, इस पूर्णिमा को हम लोग तो करते नहीं करते, बोले ब्रह्मा आदि शिव आदि इंद्र चंद्र आदि बनाते हैं। बोलते दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ब्रह्मादि ए तिथि करे आराधना, इस तिथि का आराधना ब्रह्मादि देवगण करते। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, इस तिथि ही भक्ति देने वाली है, भक्ति स्वरूपिणी है। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, जही अवतीर्ण है ले न द्विजमणि, क्योंकि द्विजमणि जहाँ जन्म हुए वही भक्ति स्वरूप। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पूर्णमासी। बोले दो ही तो पुरुष हैं इस कलि युग में, एक नित्यानंद प्रभु गौरांग प्रभु। नित्यानंद प्रभु का जन्म, हाँ, नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, माघ शुक्ल त्रयोदशी नित्याय के जन्म हुआ, और गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पूर्णमासी। सर्वजात्रा मंगल ए दुई पुण्यतिथि, जितने और भी फेस्टिवल है, यात्रा उत्सव है, सबसे सुपर मोस्ट यही दुई तिथि है। सर्वजात्रा मंगल ए दुई पुण्यतिथि, सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान हय अति। सर्व शुभ लग्न, सारे शुभ लक्षण अधिष्ठान होता है ये दोनों तिथि में। प्रत्येक एते के ए दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन। अभी बोलते हैं इसीलिए ये दो तिथि, मतलब नित्यान त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, ये दो दिन जो व्रत रखता है, फास्टिंग रखता है और तिथि को ऑब्जर्व करता है, पालन करता है, तो उसका क्या होगा, न कृष्ण भक्ति है, अविद्या बंधन मिट जाता है। जो ठीक से नित्यान त्रयोदशी पालन करेगा, जो ठीक से गौर पूर्णिमा को ऑब्जर्व करेगा, तो उनका अविद्या नाश हो जाएगा और भक्ति प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण भक्ति है अखंडे अविद्या बंधन। ईश्वरीर जन्मतिथि जेहन पवित्र, वैष्णवर सही मत तिथिर चरित्र। जैसे ईश्वर के जन्मतिथि पवित्र होता है, ऐसे ही वैष्णव के तिथि भी चरित्र होता है, वैष्णव के अभिभक्त बड़े पवित्र होते हैं। गौरचंद्र आविर्भाव सुने जे जने, कभु दुख नहीं तार जन्म वा मरणे। बोले गौरंग महाप्रभु फेस्टिवल तो नहीं कर पाया, लेकिन सुना गौर कथा पूरा। बोले गौरचंद्र आविर्भाव सुने जे जने, आविर्भाव कथा जो सुनता है, सुने जे जने, कभू दुख नहीं तार जन्म वा मरणे। उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्या जन्म के समय मृत्यु समय दोनों समय दुख नहीं होगा। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होता है और महाप्रभु के साथ प्रकट होने का चांस मिलता है। आदिखंड कथा सुना बड़ा ही सुंदर, आदिखंड कथा बड़ा सुनिते सुंदर, जही अवतीर्ण गौर चंद्र महेश्वर। चैतन्य की कथा तीन भाग में है, आदि, अंत और मध्य।
आदि खंड कथा बड़े सुंदर है। क्यों? क्यों जहाँ अवतीर्ण गौरचंद्र महेश्वर, ये उनके जन्म लीला उसमें है। ए सब लीला रखु नाही परिच्छद आविर्भाव तिरभाव मात्र कहे वेद, इस लीला का तो एंड नहीं, आविर्भाव तिरभाव होता है। चैतन्य कथारा आदि अंत नाही देखी, तहाँ न कृपाए जे बोलाए न तहाँ लिखी। भक्त संगे गौरचंद्र पदि नमस्कार, इथि अपनार किछु इथि अपनार किछु अपराध किछु न हो कुमार। चैतन्य कथा आदि अंत नाही देखी, तहाँ नहीं कृपा जे बोला तहाँ लिखी। भक्त संगे गौरचंद्र पदि नमस्कार, इथि अपराध किछु न हो कुमार। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान वृंदावन दास कछु पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु जान, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण में प्रणाम करके वृंदावन दास ठाकुर इस जन्म लीला का कुछ वर्णन किए। जय जय कमल नयन गौर चंद्र, जय जय तुम्हारा प्रेमेर भक्त वृंद। हे न सभु दृष्टि प्रभु कर हे अमाय, हर निश चिंत जे न भजई तुमाय। हे नमते प्रकाश हैल गौर चंद्र, सचिगृहे दिने दिने बढ़ई आनंद। पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद हैल दुहे भाष्य अनुक्षण। तो इस प्रकार भगवान की प्रकट हुआ ये दोनों इस प्रकार भगवान का आविर्भाव हुआ। और कहते हैं कि हे न शुभ दृष्टि प्रभु कर हे अमार, बोले प्रभु हमारा पर शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए, जैसा कि दिन रात हर निशी चित्त जन भजय तुम्हार, मैं आपको दिन रात भजन कर सकता हूँ। हे न मते प्रकाश हई ल गौर चंद्र, सचिगृहे दिने दिने बढ़ई आनंद। इस प्रकार गौर आविर्भाव के बारे में हर दिन बढ़ने लगे। पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दुहे भाषे अनुक्षण। बेटा के मुख देख करके सची माता जगन्नाथ विश्व दोनों ही सुख के मारे रो रहे थे। भाई रे देखिया विश्व रूप भगवान, हासिया कहे न कोले आनंदेर धाम। विश्व रूप उनके बड़े भाई थे, वो जब आकर देखे बहुत खुश हो गए। इसको बोलते हैं भाई रे देखिया विश्व रूप भगवान, हासिया करे न कोले आनंदेर धाम। तुरंत गोद में ले लिए विश्व रूप, बड़े भाई जब देखे छोटे भाई को अपने गोद में ले लिए, बहुत आनंदित हुए। जत आप्त वर्ग अच्छे सर्व परि करे, हर निशी सबे थाकी बालके आवरे। आसपास में पड़ोस में जितने स्त्री पुरुष थे बाल बच्चे, घर छोड़ के सब वहीं बैठ गए आकर के। घर में स्त्रियाँ का कुकिंग वही काम बोलते हुए बाद में कर लूँगी, बाद में आज सोते देख कर आऊँ, देख कर आके खड़ी हो जाती थी। घर से सास ससुर बुलाते हैं, कहाँ गया, चाय नहीं बनाया, चला गया कहीं, वो जा नहीं रहे, तो गुस्से में आते थे। उनको पता तो यहीं गई होगी, यहीं गई होगी, मिश्र सची का घर में गई होगी। सास ससुर ठेंगा लाठी लेकर गाली देकर पिटने के लिए बहू बेटे को बोले, दोनों ही चले गए। आकर लाठी लेकर गाली देकर आए घुस के झगड़ा करने के लिए, आकर जब लड़का का मुंह देख लिए फ्यू जुड़ गया, पता नहीं गुस्सा छू मंत्र हो गए। वो भी खड़े रहे, वो गए नहीं, चाय पैसा छूट गया, चार नियम पालन करने लगे वो हरि नाम करने लगे। हम तो बुला करके कितने खिचड़ी खिला करके भक्त बनाते हैं, ट्रेनिंग देते, वो ट्रेनिंग भी नहीं कुछ नहीं, झगड़ा करके गाली दे करके आ रहे थे। आ करके अट्टे ग्लांस ऑन दिस स्पॉट खत्म, चार नियम और हरि नाम बिना माला में जपने लगे, बिना बोले पालन करने लगे। भैया छोड़ दो, ठीक धीरे धीरे प्रयास, कुछ नहीं, अट्टे ग्लांस ऑन दिस स्पॉट
ये है भगवान की प्रभाव, है ना। कुछ नहीं, छोटे बालक रूप में केवल हस्त, केवल एक हंसी के छटा दर्शन दे दें, तुम्हारा कई जन्म के कर्म फर्म सब सुधर जाए, अनंत कोटि जन्म के कर्म सब पिघल के खत्म हो जाएगा, सुधर जाएगा, बिल्कुल टेढ़ी सीधा होकर खड़े हो जाओगे। भगवान कुब्जा थी मथुरा में, कई सालों से मथुरा वाले उनको बोलते थे कुब्जी कुब्जी कुड़ी कुबड़ी कुबड़ी बोलते थे, चिढ़ाते थे उनको। उनका बेचारा अभी शादी नहीं हुआ था, एज भी हो गया था उनका, शादी नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान ने कृपा किए थे उनका, उन्होंने कोर्स किया था, ग्रेजुएशन किया था, ये करने में क्या बोलते अंग्राग करने में, प्लास्टिक सर्जरी, अंग्राग को क्या बोला आपने, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तो ऑपरेशन करना पड़ता है, डेकोरेशन मेकअप 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 मैन थी वो, चूड़िया पूरा नहीं लाता था, चाकू चूरी नहीं लाता था, केवल कलर लेकर आता था, कलर अलग अलग हुआ, चंदन कस्तूरी रंग का कई रंग के लेकर आता था, मेकअप मैन थी। ड्रामा फ्रामा करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ड्रामा में आपको हीरो बना देगा, हीरोइन बना देगा, डाकू बना देगा, बनाता कि नहीं, आपको इसे बना देंगे मुखौटा पहना करे कैसे कैसे, तो वही करने में थी, मुखौटा नहीं बनाती थी, केवल ऐसे पेंटिंग करती थी, राजकुमार बना देता था, भूतों को राजकुमार बना देता, इतना एक्सपर्टिस था वो कुबड़ी का, तो इसलिए उनको पूरा स्टेट सिलेक्शन में फास्ट हो गई, तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया, सरकारी नौकरी मिला, कम से कम यहाँ था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिला उसको, साक्षात महाराजाधिराज का मेकअप मैन, क्या छोटी मोटी पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी पर्सनल सर्विस ऑफ द किंग, वो मिल गया उनको। पीएम तो 5 साल के होते भैया, उनको पीएम पीएम मत कहो, जीवन भर का, कंस का कोई बना था क्या इलेक्शन में लड़ करके, नहीं तो क्या सेल्फ मेड किंग, तो इसलिए उनका मेकअप वो मैन था, कंस खुश था उसके ऊपर, मथुरा में उनका अपना फ्लैट था 4 BHK पूरा गार्डन था, हम लोग तो कौन सा 8th फ्लोर में लटका हूँ ना, जमीन है ना आसमान, उनका ऐसा नहीं था, अपना फ्लैट नहीं था, क्या था उनका, कोठी, कोठी को क्या आज भाषा में क्या बोलते हैं कि भिला, विलास ना, विलास विलास, ये था उनका, पूरा स्विमिंग पूल था, गार्डन था, बहुत बड़ी हाईफाई रॉयल, कंसन बहुत खुश था उसके ऊपर, दिया था उनको, और डेली डेली जाता था महाराज को मेकअप करने के लिए, इससे मेकअप करता था कंस तो आईना में घंटा देखता था, वेल डन वेल डन, सुबह उठकर नहा कर देखता था, ऐसे करता था मुंह, क्या दिखता है यार खतरनाक कितने घास स्वरूप है। फिर बुढ़िया आती थी कुबड़ी, कुबड़ी ऐसे यंग थी, लेकिन ये जो कोई शादी नहीं करता था उनको कुबड़ के कारण, देखने में अच्छी थी लेकिन कुबड़ के कारण शादी नहीं होता था उसका। वो जब आती थी मेकअप करती थी, कंस जाता था आईने के सामने, वो होते आप देखो, और रिपोर्टर भी अलग, मीडिया वाले फोटो खींच कर डालते, बोले सुबह 10 बजे के बाद आना अट्रैक्टिव फोटो आता था उसको, तो ऐसी एक्सपर्टीज थी कुबड़ी का। लेकिन सारे मथुरा के सब मजाक उड़ाते थे उसका, इसलिए घूंघट डाल करके जाती थी अपने, कृष्ण बलराम जाते थे मथुरा में, वो जा रही थी, वो तो रोड में जाते, उनको नहीं पता था, फर्स्ट टाइम गए थे मथुरा में, मथुरा दर्शन, वो जा रही थी, सुगंध फैल रहा था, क्योंकि जो लेकर जा रहा था ओरिजिनल कस्तूरी, ओरिजिनल चंदन और ओरिजिनल क्या क्या बोलते हैं, कस्तूरी चंदन और क्या सुगंध, इधर अगुरु इस प्रकार के जो चतुष्ण, 4 प्रकार के ओरिजिनल सेंटेड आइटम होता है, वो सबको मिला करके पेस्ट किया था, किलोमीटर तक स्मेल जाता था, सुगंध फैल रहा था। कृष्ण बलराम जा रहे थे ग्वालियर के साथ,
कौन है, कहाँ से आ रहे सुगंध, कहाँ से आ रहे? लोग बोले कुड़ी कुड़ी जा रही है लेकर के। बोले ये मेकअप म्यान जे कर जा रहा है। बोले क्या? बोले राजा के। तो भगवान कृष्ण उनके सामने चले गए, मुंह तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, घूंघट मार के रखी थी ध्यान करके, क्योंकि किसी का मुंह देखना नहीं चाहती थी, सब चिढ़ाते ना उसको, मतलब किसी को देखना नहीं, अपना रास्ता पकड़ कर जाते, नीचे देख देख के चली जाती थी, उनको पता था लैंडमार्क चला जाते। भगवान जाकर के सामने खड़े हो गए, वो देखा मुंह नहीं उठा रहा था, बोले कौन रोक दिया मुझे? अब सोच रहा था देखूं ना देखूं, कोई चिढ़ाने वाला तो गया नहीं मुझे सामने से चिढ़ाने के लिए। भगवान बोलने लगे, बोले हे सुंदरी, भगवान देखे नहीं अभी सुंदरी, क्यों सुंदरी? भगवान का इमीडिएट अप्रोच था, सामने खड़ा होकर बोले हे सुंदरी आप किसके हो, किसके लिए ये परम सुंदर सुगंधित द्रव्य ले जा रहे हो? देखिए हम वीआईपी गेस्ट है, राजा का खास भांजे हैं, हमको और क्या गलत थोड़ी हंस रहा है, सगा भांजा था यार। अरे राजा के खास भांजे हैं और हमको वीआईपी पास दे करके अपना गाड़ी बुलाकर भेजा था, अपने मिनिस्टर जाकर हमको लेकर आया, लेकिन करे क्या, हम ग्वाले हैं, राजा के तो भांजे हैं लेकिन हे ग्वाले, कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा पहनने भी नहीं आता, और कपड़ा तो कहीं से कहीं से थोड़ा मांग मुंग कर लेके पहन लिए, राजा का कपड़ा पहने हुए, लेकिन चंदन नहीं लगा अब तक, तो इतने सेंटर सर हमको मेकअप कर दो ना, अगर मेकअप कर दोगे तो इमीडिएट आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला होगा। तो बुढ़िया डेली डेली कितने जो मन चला युवक होते ना, चिढ़ाते हैं क्रिटिसाइज, उनके बात कही सुना है, सुन सुन कर उब चुका था, इसलिए कि देखना नहीं चाहता था, सुनना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज के कौन उनको रोक करके बात कहे, ये बातों तो था सुनने के लायक नहीं, जैसे उनके कान के अंदर अमृत उड़ेल गया हृदय तक, क्योंकि वो वाणी में इतने सुष्टपत था, टोन ऐसा था, और भगवान की वाणी परावाणी है, इतने अमृत जैसा शब्द था। बुढ़िया कथला बोले मथुरा वाले तो नहीं है, इज नॉट लोकल बॉय, इज नॉट लोकल गाय। पर्दा उठाया और देख तो लू कौन है, जैसे पर्दा उठाया ओ माय गॉड, ओ माय गॉड तो थे। ओएमजी करेगा क्या, वो प्रैक्टिकली था ही, हाथ ऐसे ही रह गया, आंख खुले की खुली रह गया, स्टैच्यू बन गया, आंख पलक बंद नहीं हुआ, क्योंकि इतने सौंदर्य भगवान का था। बुढ़िया बोला मेरा जब से आंख बना है तब तक ऐसे रूप देखे ही नहीं था, कौन है ये, दिखती ही रह गई, देखते रह गई, दो पांच मिनट तक देखने लगी, सब लोग बोले, सब लोग भी देखते थे, तो क्रिटिसाइज कौन किसी करे, भगवान के रूप ऐसा था, देख देख करके तो संभला नहीं गया। भगवान फिर बोले बोलो तो कुछ, तब होश में आया, तो बोलूं बोलूं, हाँ आपको, आपको नहीं बोलूंगी तो किसके बोलूंगी? बोला मैं किसी के अभी तक हुई नहीं, आप सबसे पहले मुझे पूछे थे तो किसके हो? बोले सुंदरी, बोले हे सुंदरी, बोले पता नहीं आपको सुंदर दिखती हूँ, तो आपकी दृष्टि ऐसा होगा मुझे सुंदरी बोलते, लेकिन अब किसी के हो? बोले किसी के अभी तक हुआ ही नहीं। बोले विधि ने मैं किसके होने का सौभाग्य को मेरे से निकाल लिया। बोले क्यों निकुबड़, हाथ लगाकर बुलाइए, हंस ब्याग, इसीलिए किसी ने भी पसंद नहीं किया किसी के सौभाग्य नहीं होने का, भगवान और कोई बात नहीं ठीक कर देंगे। अब ना ये मैं राजा का पर्सनल मेकअप मेकअप वाले हूँ, और इसके लिए राजा के लिए लेकर जाऊँ, एवरीडे लेकर जाती हूँ, राजा अब उठ गए होंगे, वेट करते होंगे मेरा, अब मैं सजाता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं आपको लगाऊं, अरे आपको नहीं लगाऊं तो किसको लगाऊं, इतने सारे बढ़िया बनाए लेकर आया, आप अभी तक नहीं दिखे थे इसलिए कम से कम लगाता, तभी आप दिख गए आज, भले मिले नौकरी जाए भाड़ में जाए नौकरी, मैं तो आपके लगाऊंगी। तुरंत तैयार हो गया, पल्लू निकाल करके कमर में कस करके,
हाथ में देख करके तुरंत पेंटिंग करने के भगवान भगवान के सामने जैसे आगे भगवान भाई साहब है सामने देखो बलराम जी खड़े थे ना बाजू में बोले ये मर्यादा लंघन हो जाएगा पूरे मेरे भाई साहब हैं उनको पहले बड़े हैं तो बोला अच्छा ठीक है। तो पहले बलराम को जा करके भी फिटिंग बलराम गोरे थे उनके गोरे कलर कुछ ऐसे मैच करेगा जो कलर इसी कलर का वो कपड़ा तो पहने हुए थे माला पहने हुए थे स्पेस तो जाता था नहीं केवल मुँह ही था कपोल और ललाट इतना ही बाकी था बाकी सब कवर थे ऑलरेडी मान लिया माला पहने और कपड़ा पहने थे तो केवल मुख में फेस में दो कपोल और ललाट में पत्रावली बनाने लगी और फूल बनाने लगी। इतना एक्सपर्टीज था उसके पास में इसलिए तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट फास्ट होकर इतने बड़े नौकरी पाई थी उनको। इतने फटाफट बनाया चॉइस्ट कलर जो 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 कलर में करना चाहिए था जो सेंट लगाना चाहिए था लगा कर किया। तो फिर भगवान के पास आ गया भगवान को भी किया बाकी सारे लड़के लोग खड़े हो गए मैडम हमारे माता जी हमारे भी हाँ सब 15-20 मिनट नहीं लगा सकड़ों ग्वाल वालों के साथ रामकृष्ण के सबको पेंटिंग कर दिया। चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन बन माली इसको मथुरा के स्त्रियां टाइरिस पर खड़े कर खिड़की के पीछे खड़े कर देख रही थी बोली ये कुबड़ी क्या कर रही है ये कुबड़ी क्या कर रही है ये साक्षात इतने गंधर्व कोटि कमनीय विशेष उनके पास में जाकर के सामने खड़े होकर अपने हाथ में उनके श्रीमुख में चंदन चर्चा कर रही लगा रही है। वो कवि लोग गाते हैं चंदन बेसमो करंती बोलते मैं इसे चंदन के बेसी बेसग्र करूंगी मोरा हो चित्त के धरी व जुवती चाहे चंद्र वजन बोले मैं चैलेंज लेकर के कहता हूँ स्त्रियां बोलते हैं बोले हमारा क्या मैं चैलेंज लेकर कहता हूँ कि कोई भी स्त्री इसे चंदन चर्चित मुख को देख ले और अपने आप को संभाल ले मैं करोड़ रुपये का गारंटी देता हूँ कोई संभाला नहीं पाएगा। सो अट्रैक्टिव स्त्रियाँ दूर दूर से देख कर सर पीट रहे थे बोले हम दुर्भाग्य क्यों कुड़ो नारी बोले क्यों कुबड़ी नहीं बने हम भी कुबड़ी बनते और इस इलेक्शन होता हमारा तो हम भी पेंटिंग करते इसी पुरुष का आज ये काम मिला। अब क्या हुआ भगवान बोले थे कि अगर तुम मुझे चंदन चर्चित कर दोगे तुम्हारा कुछ कल्याण होगा भला होगा कल्याण क्या होगा अभी वो सब लोग देखते हैं बोले वो तो बोले थे क्या कल्याण होगा पेमेंट देंगे क्या चेकबुक तो लाए नहीं कुछ भी नहीं लाए कैसे क्या पेमेंट देंगे। भगवान क्या किए एक स्टेप आगे बढ़ गए उनको बुढ़िया क्या हो गया मेरे आगे सामने आते हैं बुढ़िया तो नहीं अंक थी कुबड़ी भगवान एक स्टेप फर्दर से उनके सामने चले गए जा करके अपने दाहिने पैर को उनके बाएं पैर के ऊपर दबा दिए दबा करके हाथ में उनको ठोड़ी को पकड़ लिए एक झटका दिया कड़क करके साउंड हुआ परमानेंटली की ओर कोई ओटी में जाना नहीं पड़ा जैसे कुबड़ था ही नहीं कुबड़ है ही नहीं और था ही नहीं बहुत बड़ा कुबड़ था पीठ में सीधा बिना ऑपरेशन थिएटर में जा करके बिना इंजेक्शन लगा करके भगवान एक सेकंड में सीधा कर दिए उसको केवल सीधा नहीं किए भगवान की कर कमल का स्पर्श और उनके मुख के सामने का जो फोकस पा करके पूरे स्वर्गीय शोभा का घाटा बरस पड़ा उनके ऊपर इतने सुंदरी हो गई इतने सुंदरी हो गई कि अप्सराएं देवलोक से और यहां के मथुराज इतने बोले तू कहां गए काला लाओ काला पोत दो हमको उनके सामने किसी कीमत के नहीं है हमारा सुंदरता तो खत्म उनके सामने भगवान ऐसे बना दिए एक सेकंड में सीधा बना दिए और सुंदरी बना दिए। वो देखा आपने हमको हाथ लगाया बोला कोई नहीं क्योंकि वो चंदन लगाता ना आईना भी साथ में लेकर चलता महाराज को देखा महाराज है ना फिट तो आईना खुद देख ली अरे बाप रे बाप जितने भगवान को देख करके तरस रहा था आपने को देख कर तरसने लगी बोले मैं ये ही हूँ कैसे बन गई मैंने बोला मैं जब ऐसे हूँ तो फिर इन पुरुष को छोड़ना नहीं भगवान के उत्तरी को पकड़ कर खींचने लगे बोला चल बेशरम हो गई
भगवान बोले अरे भाई सब पब्लिकली दोपहर में सब खड़े हैं देख रहे हैं, अरे व्हाट आर यू डूइंग। वो बोला आप मैं नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ, मुझे टच करके छोड़ नहीं सकते आप। भगवान बोले ओके 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 आई विल कम, डोंट वरी। अभी तो वो भी समझ गया, बना रही उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बड़े मुश्किल से राजी हुए हैं, राजी हुए डिस्टर्ब, अभी उनका बात पालन करूंगी। उनको अगर पति रूप में माना तो पति का आदेश पतिव्रता नारी को पालन करना चाहिए। बोला ठीक है ठीक, आई विल वेट, मैं जा रहा हूँ, वेट करना, आई विल कम। तो ये भगवान है, तो भगवान की सुंदरता, भगवान स्वयं सुंदर है और सुंदर किसी को भी कर सकते हैं, ये भगवान स्वयं बड़े है बड़ा कर सकते हैं, स्वयं सुंदर है सुंदर कर सकते हैं, अच्छे सद्गुण है किसी को सद्गुण दिला सकते हैं एक सेकंड में, बाकी सब लोग ऐसा कर सकते हैं, खुद है दूसरे को कराने में नाक मुद्दा मजा करा नहीं सकते, लेकिन भगवान सेकंड में ऐसे। तो बोलते हैं कि पुत्र मुखी ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद, इस प्रकार आप्त वर्ग जत आप्त वर्ग अच्छे सर्वपरि करे अहरनिशी थाके घरे थाकी बालक रे आवरे। सब में बोला ना घर छोड़कर आ जाते थे देखने के लिए, इसी वजह कहा ना, और जाते नहीं थे घर छोड़ करके, तो उनके घर वाले झगड़ा करने के लिए आते थे, वो भी आकर फंस जाते थे। अरे भोजन भोजन करने का भूख ही मिट गया, पानी प्यासी मिट गया, और कोई काम कुछ काम चाहिए नहीं, दुखते रहे देखते ही रहे, ये हालत था। ये है भगवान और करें क्या, हरि नाम को भगवान रोने लगे, भर देखे सब इकट्ठा भगवान रोने लगे, अरे तू नहीं हो जा संत हो जा, नहीं तो हरि नाम कीर्तन करेंगे तब भगवान तुष्ट होते थे, चुप हो जाते थे। इसका मतलब अगर आपको भगवान को मुख में स्माइल दिखना चाहते हैं, भगवान को सुखी करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, यस नाम कीर्तन करना पड़ेगा, तब भगवान सुखी होंगे, नहीं तो रोएंगे। आप नाम नहीं करेंगे तो कृष्ण विल क्राई, गौर विल क्राई, गौर रोएंगे अगर आप हरि नाम नहीं करेंगे, और हरि नाम करेंगे वो नाचेंगे खुश होंगे, ऐसे करते थे। इसी को बोलते हैं तावत कांदे न प्रभु कमल लोचन हरि नाम सुनिले रहे न तत्क्षण, तब तक रोते रहेंगे हरि नाम सुनने से स्टॉप। परम संकेत एबे सब बुझिले न कांदिले हरि नाम सब लय न, सब समझ गए कि जब जब रोएगा लाला तब हरि नाम कीर्तन करना। सर्वलोक आवरिया था के सर्वक्षण कौतुके करे जे रसिक देवगण, जब सारे भीड़ था नवदीपवासी देवता लोग मजा लेते थे, क्या कौतुक करते थे सर्वक्षण देवगण, कोन देव अलखी थे गृह ते संभाय छाया देखी सबे बोले यही चोर जाए। नवदीप के लोग से भीड़ दिख रहे थे, एक देवता बीच में आ जाता है, देवता लोग जानते ना, अब देवता बोले जानते नहीं, देवता कभी जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं बल धरती को टच नहीं, गंदा हो जाएगा ना उनका, वो बहुत साफ सुथरा रहते हैं देवता, बहुत क्लीन, ये कचड़ा वचड़ा खाते भी नहीं वो लोग जो हम खाते हैं, वो तो केवल घी पीते हैं, देसी घी पीते हैं और कुछ नहीं खाते, घी मधु ये उनका देव आहार होता है, बाकी ये सब चीज़ खाते नहीं, मतलब इसी वस्तु में घी मधु नहीं तो हवा तेज इन वस्तु खाते हैं, उनके अंदर मिट्टी होता ही नहीं, जैसे पंच महाभूत से बनता ना शरीर, उनके अंदर दो भूत तो नहीं है। मिट्टी और जल है नहीं उसके अंदर, तो तेज हवा आकाश ये तीन से उनका शरीर बना है, इसलिए उड़ते हैं लाइट में, उजनते हैं पानी से, और गंधा और वेट ये दोनों, ये इन दोनों के परिणाम है मिट्टी और पानी का, ये मिट्टी पानी तो उनके अंदर है ही नहीं उनके शरीर में, तो इसलिए लाइट एंड स्मेल, टॉयलेट बाथरूम होता नहीं मिट्टी पानी नहीं तो निकलेगा कैसे, इनपुट नहीं तो आउटपुट भी नहीं होगा,
टॉयलेट बाथरूम देखता हूँ क्या होता ही नहीं, आपको तो घर बनाने से सबसे पहले उसके बिना तो घर बन ही नहीं सकता है ना, आउटलेट देना ही पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं होता, स्मशान भी नहीं होता, कि मरते ही नहीं अमर है। दूसरी बात मालूम है ना, वहां डिस्पेंसरी के हॉस्पिटल की एम्बुलेंस होता है कि मगर बीमारी नहीं पड़ती, बीमारी नहीं पड़ते, अमर है, अमृत पीते हैं, अमृत जब तक नहीं निकला था तब तक थोड़ा बहुत सर दर्द वगैरह कुछ होता था, मतलब उसके बाद तो वो भी खत्म। इसलिए दोनों जो भाई है ना, क्या नहीं, डॉक्टर दो भाई डॉक्टर हैं, बाकी कोई डॉक्टर पढ़ते नहीं हैं, अश्विनी कुमार दो भाई वो फिजिशियन थे, उनको भला कोई दो पैसा में पूछे, कोई नहीं पूछता था, MBBS पास किए, MD किए, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमारी कोई नहीं होता कौन पूछे उनका, उनको पास हट दिया सर, ऐसे करते थे उनको। हम तो डॉक्टर को देखते हैं, सर डॉक्टर सर आप बोल दें तो आज पूरा फास्टिंग करूंगा सर, गौर पूर्णिमा के दिन नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आप बोलते हैं तो मान जाऊंगा लेकिन वहां डॉक्टर को पूछते ही नहीं, क्योंकि मरी नहीं होता किसको। तो देवतागण क्या करते थे, जब हम सुने वो छाया रूप में आते थे, स्पर्श करेंगे ना किसी को, छाया रूप में आ करके दर्शन कर निकल गए, लोग देखे छाया किस आया, छाया किस आके गया, चोर चोर आके चला गया। अलग खिते देखना पार के लोग क्या करते थे, छाया देखी सब बोले यही चोर जाए, बोले से चोर आए थे, चोर है, नरसिंह नरसिंह के पड़े ध्वनि, नरसिंह प्रार्थना करते थे, नरसिंह वंदना करने लगे और अपराजिता स्तोत्र का सब स्तोत्र पाठ करने लगे, नाना मंत्र कहे दस दिग करे बंध करे उठिले परम कलेवर सचि घरे, प्रभु देखी गृहर बाहिर देव जाय, सब बोले यही मत आसे ओ पलाय, कोई बोलते हैं कि आता है जाता है, पता नहीं कोई अनसीन चोर कोई भूत प्रेत, तो इस प्रकार के कोई मंत्र तंत्र बढ़कर करते थे सब पूजा। तो आपका टाइम हो गया, मैं सोचा था कुछ स्पेशल कथा बोलूं लेकिन अब टाइम नहीं है, इतने में सुन लो। अच्छा अच्छा केवल बोल देता हूँ, आज के जगन्नाथ मिश्र क्या कुकिंग क्या हुआ, ये तो सब हो गया फिस्टिंग वगैरह। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने सब देखे, बोले काल तो रात था, प्रसाद नहीं बना पाए थे क्योंकि ना करके चंद्र ग्रहण था, ऐसे सूतक था, इसे नहीं कर पाए, तो आज बर्थडे फेस्टिवल होगा, फिस्ट करेंगे। तो क्या फिस्ट करते हैं वो, जो फिस्ट करेंगे करके जगन्नाथ मिश्र मन में सोचे तब तो आने लगा भेंट, वो मार्केट नहीं गए, लोग लाकर देने लगे, ऐसे ऐसे आइटम लाए जो सोचते थे, सची माता सुप्रीम कुक, सुपर कुक थी, और उनके लिए जो आइटम ये होता होता क्या आया, बैलगाड़ी लोड करके ले आते थे, ट्रक तक जमाने में था नहीं, इतने सामान आया पूरा भंडारा होगा पूरे नदिया के लिए, बड़ा भंडारा, सची माँ वाज थी, चीफ कुक हेड कुक थी, बनाने लगा आइटम, क्या क्या आइटम बनाए, पनीर सब्जी 9, चिली पनीर 9, आप जो जो आइटम बनाते थे सब 9, कोई फ्राई आइटम होना ही नहीं ना, तो क्या बनते थे, साली अन्न, साली अन्न मतलब एक प्रकार का राइस होता है, जिनको बॉयल गर्म पानी में डालने से आधा किलोमीटर तक स्मेल जाएगा, वाह क्या अन्न का सुगंध है, ये अन्न बनाए, और उसके साथ में मूंग की दाल, और ओरिजिनली नेचुरल मूंग, क्या केवल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तब तो नॉन ऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं था, जो भी हो दाल सब्जी, बोले राइस दाल के साथ साथ में सबसे पहले राइस के साथ जाएगा नीम की भाजी, नीम पत्ता की भाजी, ये भगवान प्रकट हुए ना उसका नाम भी नीमा ही पड़ा,
नीम पेड़ को सबसे कलरफुल बनाया, सारे नीम पतंग जब से नया नया कपोल आता है, ये सीजन है। फाल्गुन मास शुरू हुआ, फाल्गुन और चैत्र ये दोनों महीना में सारे नीम पतझड़ होकर के नए पत्ता लाते हैं, है कि नहीं? कोई नीम के पेड़ देखो हरी भरी ब्रांड न्यू लीव से आएगा, इसीलिए नीम आई सबसे नीम पेड़ को कल्याण करते हैं और खूब नीम पत्ता खाते हैं, खूब नीम पत्ता खाते। तो नीम परवल के साथ, नीम बैगन के साथ, आलू तो तब जमाने में था नहीं, टमाटो और पटाटो दोनों नहीं था, तो नीम को एक आलू कहते थे, देसी आलू जो है रहता रहता आलू क्या बोलते ना, तो इस आलू के साथ नीम का पत्ता को कई वैरायटी के साथ, कभी कभी नीम के पत्ता ब्रांड न्यू लीव्स और कच्चा हल्दी इन दोनों को मिला करके एक चटनी बना देते, नीम हल्दी चटनी। और भगवान क्या जितने भी बंगाली खाना जानते सबसे पहले उसी को खाएंगे, फास्ट शुरुआत इसी में करना है। आप लोग तो ना बनाना जानते ना खाना जानते, बनाना तो आते ही नहीं, गड़बड़ करते, और खाने में भी हमको पता नहीं। गुजराती लोग तो शुरू करेंगे मीठा से, एंड करेंगे मीठा से। मैं तो सुनकर हैरान हो गया, सत्य बात बताना, आप लोग तो गुजराती जानते होंगे, मैं जो भेड़ द्वार का जा रहा था, यहाँ एक कॉलोनी हुई, इस गांव का नाम मीठापुर है, मीठापुर, और बनता है केवल नमक। तभी मुझे, मैं बोला है क्या, बोले नमक को गुजराती मीठा बोलते हैं। बोला हे भगवान, गुजराती भाषा में नमक है कि नहीं? नमक को मीठा बोलते हैं। तो लिखा है इधर सॉल्ट फैक्ट्री जहां बना है ना, आपको पता है मीठापुर नाम है उसका, विलेज का नाम है मीठा, बनता है नमक। भगवान ने क्या बनाई दुनिया, कुछ भी बनाए कि नमक भी मीठा से बनाते, इसे मीठा नाम दिया। लेकिन जो वास्तविक भोजन करने का कला जिनको पता है, ओपनिंग करना चाहिए कड़वा आइटम से, तीता से, नीम की पत्ता से, तभी शरीर ठीक रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, ये सब होगा। ये सब आयुर्वेदिक शिक्षा है, कल्चर है, सभी बड़े बूढ़े सब इस पर खाते थे, बच्चे सभी जानते हैं, खाना है तो सबसे पहले कड़वा खाना है, उसके बाद ऐसे खाना, किसके बाद क्या सर्विंग होना, क्या खाना चाहिए। तो जरूर आज के फीस्ट में नीम के दो तीन आइटम बनेगा। आप बोलेंगे नीम नीम नहीं, नीम ही बनेगा, नीमाई का तो सबसे प्रिय है नीम, तो नीम ही सब नए नए लीव्स बनकर आए हैं। नीमाई को स्वागत करने के लिए नीम के पेड़ सबसे आगे, क्योंकि हमारा नाम लिया बेटा, तो बिल्कुल नए नीम पत्ते से बात, तो नीम का आइटम सबसे पहले होगा, ये बनाए सची मान। उसके अलावा 10 वैरायटी सब साग, साग जानते किसे बोलते हैं, सब्जी, यही में जानता, अब सब्जी बोले, सब्जी को साग नहीं बोलते, हरी पत्ते वाले सब्जी, उसमें और कोई नहीं आता, ओनली ग्रीन लीव्स, हरी पत्ते को जो आप उसको क्या बोलते हैं, भाजी, भाजी बोलेंगे मैं जानता, सब्जी बोलेंगे साग को, और साग को बोलेंगे भाजी। गुजरातियों का दिमाग पता नहीं कहाँ कृष्ण ने आकर आउट पाउट कर दिए। इसलिए यहाँ आकर गृहस्थ बने। बाकी जाऊँ तो ब्रह्मचर्य थे, यहीं आके गृहस्थ बने। सब्जी और भाजी बिल्कुल उल्टा। तो केवल हरी पत्ते वाले सब्जी 10 प्रकार के। आप लोग हरी पत्ते के सब्जी का नाम बताओ, कोई खाए कभी? पालक, तीन जानते हैं, उसके ऊपर नहीं जानेंगे, लेकिन 10 प्रकार तक बोला सची माने बनाई है ना। बंगाल उड़ीसा में जाएंगे सैकड़ों प्रकार की साग, अभी गर्मी के सीजन में एक साग बनता है लेउटिया कोसड़ा, ओ क्या टेस्ट है उसका, वो एक साग है, उनको जा करके इतना बड़ा बनाओ, काट काट के ऊपर में ले आओ, साग बनाओ, दूसरे दिन सुबह जाओ फिर भर गया,
फिर लेकर आओ, फिर दूसरे दिन फिर भर गया। ये लेउटिया साग एक होता है, पूरा 3 महीना तक एवरी डे ओवरनाइट इतना बन जाएगा, ओवरनाइट बनते जाएगा। अब लाओ ओवरनाइट बनते जाएगा, वो इतने टेस्टी साग है क्या बताए। साग सब्जी मंडी में सबसे कम कीमत वाला है नहीं, मेथी बथुआ सबसे बाकी सब्जी के हिसाब से कम रेट का होता ना उनको। अरे इतना आप खरीद कर लाते हैं, लेकिन पहले जब ना खरीदा नहीं जाता था, बगीचा से ज़्यादा ला करके उठा कर लाए। जैसे नीम के पत्ता को खरीदते आपने नहीं, पेड़ से ले। तो इसी प्रकार साग को कोई खरीद के नहीं लाता था, इसे अपने बड़ी से इधर उधर से जंगल से लेकर आते थे। सबसे कम कीमत लाने में, उसको बनाने में कोई खर्चा लगता है? आप साग को बनाते होंगे, केवल बॉयल करना है नमक, तो क्योंकि इतने साग इतने बन जाएगा, अगर इतने हिसाब से नमक डाल दिया तो गया। साग बनाने में कुक को टेस्ट किया जाना पड़ता है, अगर साग खा के देख लिया नमक ज़्यादा है रिजेक्टेड कुक, क्योंकि इतनी क्वांटिटी देख करके नमक डाल दिया ना, नहीं। साग बनाने का तरीका है पक जाने के बाद नमक डालना, नहीं तो इतने कढ़ाई भर के बाद में इतने हो जाएंगे, क्योंकि सारे पानी पानी तो होता है उसमें। तो उसको बॉयल करना, केवल साग बनाने का तरीका बताओ। कढ़ाई गर्म करो, छोटा स्पून टी स्पून वाला छोटा स्पून में एक तेल डालो, तेल या घी कोई तेल डालो, और राई थोड़ा डाल दो, बस चढ़ हो गया, साग डाल दो उसमें, दैट्स इट, छोड़ दो वो पक जाएगा। चढ़ जैसे पक करके पूरा बॉयल हो जाए, थोड़ा सा नमक डाल दो, बस खाने के रेडी। ऑफरिंग कर रहा हूँ साग में, साग बनाओ तो उसका रंग, उनका रूप, उसका रस और उसका गंध, ये सारे आज स्टीज होना चाहिए। और आप लोग साग बनाते हैं कुछ भी नहीं रहता, रंग रूप रस गंध कुछ भी नहीं रहता, सीधा लाते हैं बॉयल करते हैं पीस डालते हैं ग्राइंडिंग कर डालते हैं, फिर उसमें क्या मसाला डाल करते, कुछ भी नहीं रहता, सब सत्यानाश करते हैं, सारे सत्यनाश, कोई सत्व नहीं रहता, सत्व तत्व सब खत्म कर देते हैं। लेकिन साग का बनाने का तरीका है सारे सत्व उसको आज टीज बना रहे, उसका रंग रहेगा, रस रहेगा, गंध रहेगा, स्वाद सब रहेगा। तो इसे साग 10 वैरायटी के साग, फिर बनेगा सुक्ता। सुक्ता जानते क्या होता है? वेरी फेवर आइटम भगवान के, सुक्ता जानते हैं? सुक्ता पता नहीं, समझ रहे थे वो देख रहे, फोन देखते हैं फोन देख करके समझ नहीं सुक्ता। सुक्ता का मेन इंग्रेडिएंट होता है करेला, नीम, उसके बाद करेला है। ये खाने का तरीका है, आप तो भाग जाएंगे उठ करेंगे गुजराती लोग। पहले नीम से शुरू करेंगे, सेकंड आइटम आएगा करेला। हाँ, लंबे लंबे करके करेला काटना, उसके साथ में कच्चा केला और भी सब्जी डाल करके, जूसी सब्जी है वो, और भी राई का मेन थिंग सरसों होता है, राई होता है उसमें, और ज़्यादा कुछ डालते नहीं। फ्राई तो तेल तो किसी में लगता ही नहीं, जितने आइटम में बताऊंगा ना, पूरे सची माता का जगन्नाथन फेस्टिवल में जितने आइटम बना था किसी में तेल की फ्राई नहीं था, केवल आधा आधा चम्मच में छूंक लगा बॉयल, सब स्टीम आइटम, इसलिए कोई पेट खराब का चांस नहीं। हमें जगन्नाथ भगवान जाओ, राइस डालमा चटनी साग रायता बेसर शुगर जितने सब बॉयल। यहाँ तो मिट्टी के बनते छूंक लगाने का फ्राई करने का चांस ही नहीं, कैसे करोगे? चामची नहीं चूंग टांग करो, टूट जाएगा मिट्टी का। क्लियर कट 100% स्टीम आइटम, तो पेट क्यों खराब होगा? अकंठ खाओ, कोई चिंता नहीं, सब डाइजेस्ट है। तो इस प्रकार बनाते अन्न दाल साग तीता सुक्ता। उसके बाद में बेसर, बेसर भी सरसों की बोलते हैं, बॉयल करके, और फिर रसा सब्जी बनता है परवल के, और एक कुछ धोखा सब्जी, कई प्रकार के से बनाते हैं मसालादार ये सब आइटम। तो ये सभी इसी प्रकार आइटम में, और बाद में भाजी बनता है, भाजी मतलब फ्राई नहीं है, सामान्य मात्र तेल से तवा में
पक जाए, इस प्रकार की भाजी। अब उसके बाद चटनी, चटनी बनाने का तरीका होता है, अगर सही प्रकार से जो चटनी बनाना सिखा तो चटनी में ही कितने टेस्ट आता है। चटनी के मसाला जो जानते हो जानते हैं, मेथी के बिना चटनी बनेगा, बोले मेथी, ये मेथी से बनता है चटनी। अंत में चटनी बनाने का तरीका ये से बनता था, और अंत में स्वीट, चाहे स्वीट दही हो, रसगुल्ला हो या पायसम हो। अब पायसम को गुजराती में क्या बोलते हैं? खीर बोलते हैं। अच्छा, खीर बोलते हैं, कई अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बोलते हैं। तो ये जरूर इस प्रकार के ये होता है, देसी ऑर्गेनिक कल्चर्ड फिश, जिसको खाने से कोई पेट भी नहीं खराब होगा और इतना कॉस्टली भी नहीं होता, ना बर्तन खराब होगा, ना आदमी खराब होंगे, ना पेट खराब होगा। और वो जो आइटम आप बनाते उसमें बर्तन ही खराब होगा, वो एग्जस्ट फैन भी खत्म हो जाए, खराब हो जाएगा, आप भी खराब हो जाएंगे, आपका मशीन खराब हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो वही 10-20 आइटम, 10 प्रकार के साग ही, और सुक्ता भाजी, रसा, चटनी, भाजी और स्वीट, 15-16 आइटम का फिस्ट, है ना? इस प्रकार के जगन्नाथ मिश्र के भोजन, सारे देवताओं से लगा करके मानव पर्यंत, देवी देवता दानव मानवी सब भरपेट भगवान के जन्म महोत्सव की भंडारा पाएंगे और कीर्तन करेंगे, फिर जाएंगे। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ सुत सचिनंदन की, जगन्नाथ मिश्र उत्सव की, आप सबकी। ओके, आगे आपका आइटम से बांटने वाले। अब माता जी ने बोले हम तो भोजन नहीं दे पाएंगे, हम गिफ्ट देंगे। जगन्नाथ मिश्र गिफ्ट काल दिए थे, वो आज देंगे। गिफ्ट लाए तो लाओ, बुलाओ, भोजन भी देंगे। भोजन पता नहीं, यहाँ तो दिखता नहीं। भोजन दोपहर को साथ देंगे, प्रसाद है, खिचड़ी और अच्छा यही है, दाल चावल खीर पकोड़ा के बिना तो नहीं। चाहे फास्टिंग हो चाहे फिस्टिंग हो, पकोड़ा इज मस्ट। क्योंकि खाया फिस्ट पेट खराब नहीं हुआ, तो क्या खा। लो लो लो।